कविता का शीर्षक है ठाकुर का कुआं। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या गांव, शहर, देश। अगली कविता है चोट। पथरीली चट्टान पर हथौड़े की चोट चिंगारी को जन्म देती है, जो गाहे बगाहे आग बन जाती है। आग में तप कर लोहा नरम पड़ जाता है, ढल जाता है मन चाहे आकार में। हथौड़े की चोट से एक तुम हो जिस पर किसी चोट का असर नहीं होता, एक तुम हो जिस पर किसी चोट का असर नहीं होता। शंभू का कटा सिर। अगली कविता, जब भी मैंने किसी घने वृक्ष की छांव में बैठकर घड़ी भर सुस्ता लेना चाहा, मेरे कानों में भयानक चीत्कारें गूंजने लगी, जैसे हर एक टहनी पर लटकी हो असंख्य लाशें। जमीन पर पड़ा हो शंभू का कटा सिर, मैं उठकर भागना चाहता हूँ। शंभू का सिर मेरा रास्ता रोक लेता है, चीख चीख कर कहता है, युगों युगों से पेड़ पर लटका हूँ, बार बार राम ने मेरी हत्या की है। मेरे शब्द पंख कटे पक्षी की तरह तड़प उठते हैं, तुम अकेले नहीं मारे गए तपस्वी, यहाँ तो हर रोज मारे जाते हैं असंख्य लोग, जिनकी सिसकियाँ घुट कर रह जाती हैं अंधेरे की काली परतों में। यहाँ गली गली में राम है, शंभूक है, द्रोण है, एकलव्य है, फिर भी सब खामोश हैं। कहीं कुछ है जो बंद कमरों से उठते क्रंदन को बाहर नहीं आने देता, कर देता है रक्त से सनी उंगलियों को महिमा मंडित। शंभूक, तुम्हारा रक्त जमीन के अंदर समा गया है, जो किसी भी दिन फूट कर बाहर आएगा, ज्वालामुखी बनकर फूट कर आएगा, ज्वालामुखी बनकर। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है जिसका शीर्षक है तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें धकेल कर गांव से बाहर कर दिया जाए, पानी तक न लेने दिया जाए कुएं से, दुत्कारा फटकारा जाए, चिलचिलाती दोपहर में कहा जाए तोड़ने को पत्थर, काम के बदले दिया जाए खाने को जूठन, तब तुम क्या करोगे, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें धकेल तुम्हें मरे जानवर को खींचकर ले जाने के लिए कहा जाए, और कहा जाए ढोने को पूरे परिवार का मैला, पहनने को दी जाए उतरन, तब तुम क्या करोगे, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें पुस्तकों से दूर रखा जाए, यदि तुम्हें पुस्तकों से दूर रखा जाए, जाने नहीं दिया जाए विद्या मंदिर की चौखट तक, डिबरी की मंद रोशनी में कालिक पुती दीवारों पर ईसा की तरह टांग दिया जाए, तब तुम क्या करोगे, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें रहने को दिया जाए फूस का कच्चा घर, यदि तुम्हें रहने को दिया जाए फूस का कच्चा घर, वक्त बेवक्त फूंक कर जिसे स्वाहा कर दिया जाए, बरसात की रातों में घुटने घुटने पानी में सोने को कहा जाए, तब तुम क्या करोगे, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें नदी के तेज बहाव में उल्टा बहना पड़े, दर्द का दरवाजा खोलकर भूख से जूझना पड़े, भेजना पड़े नई नवेली दुल्हन को पहली रात ठाकुर की हवेली, तब तुम क्या करोगे, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें अपने ही देश में नकार दिया जाए, यदि तुम्हें अपने ही देश में नकार दिया जाए, मान कर बंधुआ छीन लिए जाए अधिकार सभी, जला दी जाए समूची सभ्यता तुम्हारी, नोच नोच कर फेंक दिए जाए गौरव में इतिहास के पृष्ठ तुम्हारे, तब तुम क्या करोगे, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें वोट डालने से रोका जाए, यदि तुम्हें वोट डालने से रोका जाए, कर दिया जाए लहू लुहान पीट पीट कर लोकतंत्र के नाम पर,
कदम कदम पर याद दिलाया जाए, जाति का ओछापन, दुर्गंध भरा हो जीवन, हाथ में पड़ गए हों छाले, फिर भी कहा जाए खोदो नदी नाले, तब तुम क्या करोगे, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें सरेआम बेइज्जत किया जाए, यदि तुम्हें सरेआम बेइज्जत किया जाए, छीन ली जाए संपत्ति तुम्हारी धर्म के नाम पर, कहा जाए बनने को देवदासी तुम्हारी स्त्रियों को, कराई जाए उनसे वेश्यावृत्ति, तब तुम क्या करोगे, तब तुम क्या करोगे। साफ सुथरा रंग तुम्हारा झुलस कर सांवला पड़ जाएगा, साफ सुथरा रंग तुम्हारा झुलस कर सांवला पड़ जाएगा, खो जाएगा आँखों का सलोनापन, तब तुम कागज पर नहीं लिख पाओगे सत्यम शिवम सुंदरम, देवी देवताओं के वंशज तुम हो जाओगे लूले लंगड़े और अपाहिज, जो जीना पड़ जाए युगों युगों तक मेरी तरह, तब तुम क्या करोगे, तब तुम क्या करोगे। तो जीना पड़ जाए युगों के तक मेरी तरह तब तुम क्या करोगे, तब तुम क्या करोगे। साफ सुथरा रंग तुम्हारा झुलस कर सांवला पड़ जाएगा। वाह क्या बात है।